एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक अनुशहर में स्थित पोटा बादशाहपुर गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने तेजवीर सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3800 की आबादी व 2000 वोटरों वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में लगभग 155 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 28 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 20 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 23 विद्युत ट्रांसफार्मर व 11 सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में सीसी टाइल्स रोड, 4 खड़ंजे, स्कूल की बाउंड्री व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 259 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान तेजवीर सिंह, ग्राम पोटावासाहेपुर और विकास खंड ब्लॉक अनुशहर जी, मैं वर्तमान में गांव की उपस्थिति जो काम कराए हैं मैंने गांव में, 4 खरंजा, स्कूल में नए शौचालय, नई बाउंड्री, तार कसी और नाले का निर्माण नया स्कूल के आगे, और 2 रास्ते सीसी कराए हैं जो 90-90 मीटर के, और 259 शौचालय जो तैयार खड़े हैं, 11 सोलर लाइट और गांव के पूरे की सफाई जो मैंने अपने तरफ से कराई है। ब्लॉक से जो सफाई घर में हट गया था 9 महीने, वो फिर मैंने ब्लॉक से सफाई कराई है अपनी तरफ से। और जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें और कुछ काम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो हमारी मांग है वो प्रधानमंत्री आवास, सोलर लाइट, एलईडी लाइट और 200-300 मीटर आरसीसी, 300 मीटर इंटरलॉकिंग, और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, बना पड़ा है, उसमें डॉक्टर आ जाएं। और जो गांव में कच्चे रास्ते हैं, 20 कच्चे रास्ते हैं और 20 जो खरंजा हैं जिनके रिपेयर हो जाए, इंटरलॉक हो जाए उनसे, इसके लिए कुछ पैसे आ जाए तो ये काम हो जाए। और सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे गांव में वो ये है कि एक नाला है 300 मीटर का, वो 300 मीटर का नाला अभी तक भी कई जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं और दिखा भी दिया है विधायक जी को भी, लेकिन वो अभी तक बना नहीं। और अब हमारी बात ये है कि हम बहुत परेशान हैं अपने मानदेय से, 3500 रुपये मिलते हैं, 3500 रुपये में होता क्या है? कोई भी समस्या आ जाती है गांव की या ब्लॉक भी जाते हैं, 100 रुपये का तेल फूंक के आते हैं, महीने में 10 बार तो जाना पड़ता ही है। और पुलिस अगर कोई गांव में विवाद हो जाता तो उसमें पुलिस के साथ जाना पड़ता, तो भी अपना ही खर्चा होता है, तो 3500 रुपये में कुछ नहीं हो रहा। कृपया करके हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा। अपने पास से 55,000 रुपये में नाले साफ कराए थे दोनों, जो मैंने अपने खुद के पैसे से कराए थे, और चौराहे पे एक नाला बनवाया था वो मेरे हिसाब से 20 मीटर है, उसकी लागत कैसी आई थी 65,000 रुपये, वो भी मैंने अपनी तरफ से बनाया। और गांव में 40,000 रुपये में पूरी सफाई कराई 9 महीने, जिसका कोई पैसा नहीं मिला है।